चैप्टर को पढ़ रहे हैं सामुद्रिक जलधारा को। तो ऐसे जलधारा का परिचय सबको हो गया है, सब आदमी समझ गए। जलधारा समुद्र में जो जल की जो धाराएं बहती है, जल प्रवाह जो होता है, उसी को हम जलधारा बोलते हैं। सबको पता है, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। हम लोग इसको भी थोड़ा देखेंगे, कटिबंध को, क्योंकि जलधारा से संबंधित ये है कटिबंध जो है, ताप कटिबंध जो है, पूरा जो हमारा ग्लोब जो है, हमारी पृथ्वी जो है, वो कटिबंधों में बटा हुआ है। देख लो, ये विषुवत रेखा है 0° अक्षांश, विषुवत रेखा है, ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या? गर्म प्रदेश। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या? उष्ण माने गर्म प्रदेश। और विषुवत रेखा से आगे हम बढ़ते हैं, 23.5 डिग्री जाते हैं, यहाँ कर्क रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। और यहाँ कटिबंध की चर्चा हम करेंगे, 66.5 डिग्री। देख लो, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। तो 0° अक्षांश उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और 66.5 डिग्री अक्षांश का ऊपरी जो बाल ये भाग है, ये देखिए शीत कटिबंध है। उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध मतलब गर्म प्रदेश, शीत कटिबंध का मतलब ठंडा प्रदेश। अब दोनों के बीच का जो प्रदेश है वो है शीतोष्ण कटिबंध। दोनों गोलार्ध में विषुवत रेखा से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर वाला जो रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर वाला जो अक्षांश रेखा है, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिण वाला को हम बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। और कटिबंध की हम बात करेंगे तो 0° के पास उष्ण कटिबंध, दोनों ध्रुवीय प्रदेश पर शीत कटिबंध ठंडा प्रदेश, और बीच में दोनों के बीच में शीतोष्ण कटिबंध। हम लोग इस ग्लोब पर, इस जगह पर है भारत, यहाँ पर है। देख लो, हल्का हल्का चित्र दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ग्लोब से भारत का, भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। हम लोग किस कटिबंध में है ये देख लो, हम लोग शीतोष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में सालों भर गर्मी का मौसम रहता है, शीत कटिबंध में सालों भर ठंडे का मौसम रहता है, और जो शीतोष्ण कटिबंध है वहां पर कभी जाड़े का मौसम होता है, कभी गर्मी का मौसम होता है, पता है ना। हम लोग किस कटिबंध में है? शीतोष्ण में है। हम लोग यहाँ जाड़े का मौसम होता है और गर्मी का भी मौसम होता है, हम लोगों का मौसम बदलता रहता है। अभी हमारे यहाँ गर्मी का मौसम था, अभी बदलाव हो रहा है, जाड़े की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अब जाड़े का मौसम आएगा, 1 महीने बाद ठंडा फिर होगा। अभी तो गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम समाप्त हुआ है, लेकिन 1 महीने के बाद जाड़ा लगने लगेगा और हम लोग स्वेटर का उपयोग करेंगे। तो कभी जाड़ा और कभी गर्मी, कभी जाड़ा कभी गर्मी, कभी शीत कभी उष्ण। तो हो गया हमारा प्रदेश क्या हो गया? भारत के बीचों बीच से गुजरती है, देख लो यहाँ पर दिखना चाहिए भारत, उसके बीचों बीच देख रहे, एक रेखा है, ये रेखा है, सामने लिखा हुआ है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री लिखा हुआ है अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, जहाँ जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, वो हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो हम लोग है शीतोष्ण कटिबंध में। आ गई बात, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जलधारा पढ़ रहे थे। तो यहाँ देख लो, विषुवत रेखा से उत्पन्न होने वाली जलधारा गर्म होती है। विषुवत रेखा किस कटिबंध में है?
उष्णकटिबंधीय, वहाँ पर सालों भर गर्मी का मौसम होता है, तो उस जगह से बहने वाली जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। और याद देख लो, ध्रुवों से उत्पन्न होने वाली जलधारा है ठंडी होती है। ध्रुव कहने का मतलब क्या, उत्तरी किनारा और दक्षिणी किनारा। उत्तरी 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 मतलब जो प्रदेश है ध्रुव का प्रदेश है, और दक्षिणी जो प्रदेश है वो ठंडा प्रदेश है, वो आर्कटिक अंटार्कटिक महादेश है ना, आर्कटिक महादेश यहाँ है ना, और यहाँ ठंडा है ना, अंटार्कटिका है ना देश जो सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो ये ठंडे प्रदेश से जो जलधारा बहती है वो ठंडी जलधारा है, और गर्म प्रदेश में जो जलधारा बहती है वो गर्म जलधारा है। कटिबंध को भी पहचान गई, ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है उसके नीचे जो है वो है शीत कटिबंध है। देख लो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है जिसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं उसको वो है शीत कटिबंध में। इस प्रदेश में जो जलधारा बहेगी वह कैसी होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी, ठंडा प्रदेश है। और ऊपर भी देख लो आर्कटिक वृत्त, ऊपर देख लो यहाँ ये अंटार्कटिक, नीचे अंटार्कटिक का महादेश है वो अंटार्कटिक वृत्त हो गया, और ऊपर आर्कटिक से है तो आर्कटिक वृत्त हो गया वो। तो आर्कटिक जो ये है यहाँ पर है शीत कटिबंध जो है 66.5 डिग्री के ऊपर वहाँ पर ठंडी जलधारा, यहाँ पर भी ठंडी जलधारा आर्कटिक वृत्त पर ही और अंटार्कटिक वृत्त पर भी। ऊपर वाला आर्कटिक है और नीचे वाला अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक इसलिए है यहाँ पर अंटार्कटिक महादेश है ना, बड़ा महादेश है ना अंटार्कटिक का। तो और जलधारा यहाँ हम लोग पढ़ लिए है, गर्म जलधारा कौन होती है और ठंडी जलधारा कौन होती है, सब हमने समझ गए इस बात को, गर्म ठंडी को समझ गए। अब पिछले पिछले क्लास में पढ़े हुए थे जलधारा के रूप के बारे में, तीन रूप होते हैं, एक प्रवाह होता है, एक जलधारा होता है और एक स्ट्रीम होता है, इसको हम लोग समझ जानने हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आंध्र महासागर की जलधारा को भी पढ़ लिए, कुल 7 जलधाराएं पढ़े थे, 5 गर्म जलधारा और 2 ठंडी जलधारा। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर को जब पढ़ लिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे आंध्र महासागर की जलधारा को पढ़ेंगे।